हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे की मालिश आप किस तरह से कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे के पैरों में मजबूती आए, हाथों में मजबूती आए, बच्चा जल्दी चलना सीखे, जल्दी बैठना सीखे। तो दोस्तों, बच्चे की मालिश हमेशा हमें पैरों से शुरू करनी चाहिए। जब बच्चा पैरों की सबसे आसानी से मालिश करवाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से सबसे पहले आपको बच्चे की मालिश पैरों से शुरू करनी है। पैरों में भी आपको इस तरह से ही बच्चे की मसाज करनी है। बच्चों के घुटनों को आप बहुत अच्छे से मालिश करें, क्योंकि जब हमारा बच्चा जैसे 8-9 महीने का होगा तो वो क्रॉल करना सीख जाएगा। आपका बच्चा मसाज जब भी एंजॉय करता है, तब आप बच्चों को अच्छे से दूध पिला के, बब दिला के और 10-15 मिनट बाद आप मसाज करती है। इंस्टेंट दूध पिला के नहीं करना है, नहीं तो बच्चा उल्टी कर देगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से देख सकती है बच्चों के पैरों में, बच्चों के तलवों में हम कितने अच्छे से मालिश कर रहे हैं। तो इस तरह से पैरों और तलवों की आपको मालिश करनी है। ये 1.5 महीने के बच्चे की मालिश हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आप बच्चों के पैर की जब मालिश करते हैं, तो इस तरह से बच्चे की एक्सरसाइज भी कराएं। ये सारी एक्सरसाइज जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, ये बहुत ही हल्के हाथ से कराई जाती हैं। इस तरह से आपके हथेलियों को आपको अच्छे से रब करके, बच्चे की जो चेस्ट है इस पर दोस्तों गरम गरम इस तरह से हाथ रखते हैं, तो इससे बहुत अच्छा, बच्चे के कई बार कफ होता है, कोल्ड होता है, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। साथ में हम जब बच्चे के कपड़े खोल देते हैं, तो बच्चों को हल्की फुल्की ठंडी लगे, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। इसी के साथ बच्चे की अच्छे से सिकाई होती है। तो आपको ऐसे बच्चे की पहले जब आप बॉडी पर मसाज करती हैं, तो आप इस तरह से बच्चे को अच्छे से हथेलियों से सिकाई कर सकती हैं। तो हमने हल्की सी बच्चे की थोड़ी सिकाई की, उसके बाद हमने बच्चे की हैंड की मसाज शुरू की। बच्चा सबसे आराम से जो कंफर्टेबली करवाता है, वो पैरों की मसाज करवाता है, इसलिए हमें पैर से शुरू करना है। फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें इस तरह हैंड्स की बच्चे की मसाज करनी है। सबसे पहले तो हमें इस तरह से पूरे हाथों में तेल लगाना होता है, फिर ऐसे गोल गोल करके, गोल गोल करके ऊपर से नीचे तक हमें बच्चे के हाथों की मालिश करनी होती है। साथ में आप जब भी बच्चे की जो नेक वाला एरिया है, इसकी मालिश करती हैं, तो इस तरह से जैसे मैंने सिकाई की थी, उसी शेप में आपको बच्चे की मालिश करनी है। और आप जब बच्चे की मुँह की मालिश करें, तो आप हमेशा ध्यान रखें बच्चे के कुछ एक, ये जो बच्चे का हेड होता है, इस पर हमें 8 का आकार बना के मालिश करनी होती है। इससे बच्चे की बहुत अच्छी जो हेड की शेप भी अच्छी आती है, साथ में बच्चे की मालिश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में, आप देख पा रहे हैं कि हमने शुरुआत में सर की मसाज शुरू की, तो 8 बना के की, और ये बच्चों के कानों के पीछे के जो पॉइंट है, इनको मालिश करने के बाद आपको इन पॉइंट्स को हल्का सा प्रेस करना होता है। बच्चों के कानों के पीछे भी आपको बहुत अच्छे से ऑयलिंग करनी होती है। उसकी वजह होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं, तो आपने देखा उसके कान के पीछे हल्का सा एक सेंसिटिव सा पार्ट हो जाता है और रैश टाइप हो जाता है। इसलिए बच्चों के कान की मसाज, कान के पीछे के तेल आप लगाना कभी नहीं भूलें। और हल्के हल्के हाथ से आपको बच्चों की हेड की मसाज भी करनी होती है। जब हम बच्चे की हेड की मसाज कर लेते हैं, तब हमारा नंबर आता है बच्चे की बैक यानी कि पीठ की मालिश करने का। तो जब हम बच्चे की पीठ की मालिश करते हैं, तो इस तरह से जो आप बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, उसको हमें अच्छे से मसाज देना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका बच्चा इस तरह से जल्दी बैठना सीखता है, साथ में ही बच्चे को खड़े होने में भी जो बच्चे की बैकबोन होती है, वो स्ट्रांगली काम करती है। और बच्चे की बैकबोन की अगर आप पूरा 6 महीने इस तरह से अच्छे से मालिश करती है, तो बच्चा खड़ा होना भी जल्दी सीखता है, बैठना भी जल्दी सीखता है। इस तरह से आप हेड की मसाज करें, और ये पीठ की जब मसाज करेंगी, गर्दन की मसाज करेंगी, तो बच्चा का गर्दन होल्ड करना भी बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा बच्चा, कई बच्चे अपने नेक को होल्ड करने में 6-6 महीने लगा देते हैं, 5-5 महीने लगा देते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर बच्चे की आप मसाज देती है, अब आप देखेंगे 1.5 महीने का बच्चा है, ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से बच्चा बहुत जल्दी अपनी हेड को होल्ड कर लेगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि इसको प्रॉपर मसाजिंग की जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चे को हमने फिर दूसरी तरफ लिटा दिया है, तो बच्चे की इस टाइप जो इस तरफ के बाल हैं, वो भी अच्छे से हो गए हैं। इस बच्चे के दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रेडल कैप नहीं है, अदरवाइज जिन बच्चों के क्रेडल कैप होती है, उनके जो सर की क्रेडल कैप वाला एरिया है, उसकी भी आपको बहुत अच्छे से मालिश करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम क्रेडल कैप वाले एरिया की मालिश करते हैं, तो उससे क्रेडल कैप यानी कि जो सर पे जमा पपड़ी है, वो हट जाती है। इस तरह से आपको हैंड्स की, 1.5 महीने के बच्चे की हैंड्स और लेग की एक्सरसाइज भी करानी है। इससे बच्चे के हैंड्स और लेग फ्लेक्सीबल बनते हैं, साथ में बच्चे की एक्टिविटी जो बच्चा इतना करता है, उसके लिए भी उसके हैंड्स और लेग तैयार होते हैं। तो आप देखेंगे इसके हैंड्स को बहुत हल्के हाथ से हम इस तरह से कर रहे हैं। ये मसाजिंग का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हाथ पैरों को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं, तो इस तरह से बच्चों को हाथ सीधा रखने में भी मदद मिलती है।
और ये जो बच्चे की नाभि है इसके आसपास भी अगर आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है तो आप राउंड राउंड शेप में मसाज कर सकती हैं, वो भी बहुत मदद करती है। जो साइकिलिंग वाली मसाज है और राउंड राउंड वाली शेप की मसाज हो बच्चों की गैस को निकालने में मदद करती है, इससे बच्चों को कॉलिक की और गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों आपको इस तरह से छोटे बेबी को मसाज देनी है, हल्के हाथ से देनी है, कौन सी मौसम में कौन से तेल से देनी है उसका मैं बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी सेपरेट कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।